पर हैं और लोग उसका कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। बेचने वालों को मुझे समझ नहीं आता, यानी जलाने वालों को समझ नहीं आता क्यों जला रहे हैं। आखिर बिक्री के लिए एक मार्केट ओपन है तो उनको बेचना ही चाहिए, जलाने का कारण नहीं है। फिर हम जानकारी लेंगे ऐसे किसानों को, बेचने नहीं जलाने की नौबत क्यों आई है, नहीं जलने देंगे और उनको समझाएंगे भी सही और मानो फिर भी नहीं मानते सख्ती करें। सर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार बहुत हरियाणा में हो रहा है, सर इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये तो आप लोग जानते हैं कि उस समय 10 साल में क्या भ्रष्टाचार होता था क्या नहीं होता था, नौकरियां भी बिकती थी, 10 लाख 20 लाख रुपए जब तक कोई नौजवान देता नहीं था तब तक नौकरी का उसको यानी उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के जो नौकरी मिलती है, मैं तो जनसभा में जनसंवाद में पूछता हूँ कि भी पिछले 10 साल में किसी ने कोई पैसा मांग भी लिया हो तो मैं आज बता दूँ हम एक्शन लेते हैं। आज कोई भी व्यक्ति है अपना किसी ऑफिस में जाता है किसी काउंटर पर जाता है उसका तुरंत काम होता है और ऑनलाइन सिस्टम का इतना लाभ हुआ है कि जब हमने ह्यूमन इंटरफेस कम कर दिया है तो प्रश्न ही नहीं होता इस प्रकार का भ्रष्टाचार का। लेकिन वो जो कोई विपक्ष है नाम विपक्ष का वही होता जो पक्ष का आलोचना करे। एक बात और सर, लगातार मंडियों सभी मिलों की पूरी हो चुकी है तकरीबन, तो बढ़ाने के लिए सर लगातार मांगे की जा रही है क्या? नहीं नहीं, अगर यानी धान हमारे पास आएगा तो हम उन मंडियों का जो कोटा है वो बढ़ाएंगे, यानी मिलों का कोटा बढ़ाएंगे। आखिर मिलों को तो सबको बराबर मिल जाए तो जितनी अनुमान होता है उस अनुमान के हिसाब से उसका कोटा तय किया जाता है। अनुमान के हिसाब से प्रोक्योरमेंट अगर हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो उनका भी बढ़ा सकते हैं, या जिन जिलों में अभी कम प्रोक्योरमेंट हुई है उन जिलों में डाइवर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन किसान का एक एक दाना जो है वो हम खरीदेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे मोहित सर, एक जो एक विषय था ना मुझे बताने का, क्या विषय था? पूछो ना, आप पूछो ना, बताओ क्या विषय था। हाँ ठीक है, वो जो ग्रुप डी की अभी 21 और 22 तारीख को परीक्षा होनी है तो हमने रोडवेज के हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनको ये निर्देश दे दिया है कि उनको सबको आने जाने का जो किराया है वो मुफ्त होगा, उसमें कोई किराया नहीं लगेगा। उनका जो कार्ड है जो उनको एक एडमिट कार्ड मिलता है उसी के ऊपर ये प्रिंट करके दे देंगे और जिस दिन उसको परीक्षा देने जाना है उस डेट के आने और जाने का उसका कोई किराया नहीं लगेगा, ये जानकारी। सर आज बरसात हुई है और कैथल मंडी की अगर बात की जाए सर, सेट के कारण सर से किसानों की जो धान बेच गई है सर, कोई व्यवस्था सर जल्दी की जाएगी? देखिए अभी आज दो नए शेड का शिलान्यास किया है, पहले दो शेड है वहाँ कितने, दो के बाद दो और ये हो जाएंगे, इसके बाद भी अगर मांग होगी तो हम और नए शेड भी बनाएंगे। हम किसान की तकलीफ में हर समय उसके साथ खड़े हैं और किसान के बारे में जो बिक्री का विषय है, कुछ लोगों ने बताया कि फसल ज़्यादा है तो हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि उसका एक एक दाना ये खरीदा जाएगा। और हमने तो जिन किसानों की फसल ज़्यादा है उनका जो लिमिट है जो अभी 30 क्विंटल प्लस 10% था उसको 35 क्विंटल प्लस 10% करने जा रहे हैं ताकि ऐसे किसान अपनी फसल को पूरे का पूरा बेच सकें, एक भी दाना किसी का बचने नहीं देना।